माय चैनल, मैं हूँ नीला। आप लोग देख रहे हैं ब्यूटी क्वीन। तो आज मैं बनाऊंगी और एक नया वीडियो जो आप लोगों को बहुत पसंद है, मुझे पता है। तो वही वीडियो मैं बनाऊंगी आज। तो इसके लिए मैंने देखो क्या लिया, कोकोनट ऑयल, एलोवेरा जेल एंड ए वुडन कॉम और एक कॉम का ज़रूरत है, वो मैं बाद में लेकर आऊँगी। तो आज मैं बनाऊँगी हेयर ऑयलिंग का वीडियो, क्योंकि देखो अभी तो मानसून का सीज़न स्टार्ट हो गया। अभी ना मेरा हेयर एकदम ड्राई हो रहा है और पता नहीं क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। मुझे लग रहा है कुछ दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी इसलिए स्वेट हो रहा था, तो इसलिए हेयर भी पूरा दिन भीगा रहता था। इसके वजह से शायद हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। तो मैंने बहुत दिन से ऑयलिंग भी नहीं की अच्छे से, तो इसलिए सोचा चलो आज ऑयलिंग करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। तो आज सिर्फ मैं ऑयलिंग नहीं करूँगी, ऑयलिंग के साथ ये एलोवेरा मिक्स करके लगाऊँगी। इससे क्या होता है, हेयर फॉल प्रॉब्लम थोड़ा ठीक हो जाता है। तो चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब वीडियो बनाऊंगी तब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हेयर फॉल स्टॉप हुआ कि नहीं, कि क्या हुआ। और एक इन्फॉर्मेशन, यूट्यूब में जो मेंबरशिप बटन है, ज्वाइन बटन, वो ऑन है। आप लोग चाहो तो ज्वाइन हो सकते हो। और टेलीग्राम पर भी मैं हूँ, अगर आप लोग चाहो टेलीग्राम का मेंबरशिप तो आप लोग मुझे मैसेज करना टेलीग्राम पर जाकर। चैनल ज्वाइन करना है तभी मैसेज करना, अदरवाइज प्लीज़ ऐसे बातों के लिए प्लीज़ मैसेज मत करना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लिया हेयर ऑयल, कोकोनट ऑयल। मैं यही ऑयल यूज़ करती हूँ, आप लोग जो कुछ भी यूज़ करो। और उसके साथ एलोवेरा जेल, ये ना बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है जब आप हेयर ऑयलिंग करते हो तब। अगर हेयर फॉल हो या डैंड्रफ का कुछ प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ये एलोवेरा। ये मैं स्किन पे भी लगाती हूँ नहाने के बाद, रात को सोने के टाइम, तो भी मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलती है। आप लोग बोलते हैं ना कि आप मेकअप करते हो, नहीं मेकअप नहीं करती हूँ मैं, तो ये एलोवेरा जेल ही लगाती हूँ नहाने के बाद एंड सोने के टाइम। और जब अब मैं वीडियो बनाती हूँ तब मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ उसका एक वीडियो आएगा बहुत ही जल्द, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कि मेकअप के बिना भी वीडियो बनाया जा सकता है। क्योंकि एवरी डे अगर मैं मेकअप करूँ तो मैं तो मेरा स्किन के लिए तो अच्छा नहीं रहेगा। तो विदाउट मेकअप कैसे अपना स्किन को हेल्दी रखना है, यही मैं दिखाऊंगी कैसे रखा जा सकता है स्किन को हेल्दी। क्योंकि अभी जो हम लोग का डेली लाइफस्टाइल है उसमें तो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन, केमिकल्स, इसके वजह से हम लोग का स्किन हेयर बहुत ज़्यादा रफ होता है, ड्राई होता है, डैमेज होता है। तो उससे बचने के लिए क्या करना ज़रूरी है और मेकअप से बच के क्या अच्छा होगा, मैं ट्राई करूँगी शेयर करने के लिए। पर उसके बाद आप लोगों का ये होगा कि आप लोग क्या करोगे, उसको यूज़ करोगे कि नहीं, क्या मेकअप ही अच्छा रहेगा। एक एक का तो अपना ओपिनियन रहता है खुद का। तो देखो मैं अभी लेंथ पे लगा रही हूँ। लेंथ पे एलोवेरा जेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर चाहो तो लगा सकते हैं, बट स्कैल्प में एलोवेरा जेल बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, स्कैल्प भी थोड़ा नरिशमेंट होता है। तो देखो कितना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। ये जब गर्मी बहुत ज़्यादा होता है मानसून के टाइम, एक्चुअली सीज़न चेंज में होता है, विंटर के टाइम भी होता है, सीज़न चेंज का जब टाइम होता है,
स्किन और हेयर बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा अगर दिन भर हम लोग बहुत ज़्यादा पानी पिए, तो उसके वजह से ना बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है स्किन। तो अभी मैं करूँगी फिंगर टिप से मसाज। तो अभी मैं और थोड़ा एलोवेरा जेल मेरे फिंगर टिप पे लगाऊंगी और हल्के हाथों से मसाज करूँगी। ओके इसके बाद चाहो तो आप ब्रेड भी बना सकते हो। मैं एक क्लचर के मदद से ऊपर रख दूँगी, थोड़ी देर बाद जब मैं सोने जाऊंगी तब एक नॉर्मल सी ब्रेड बना के छोड़ दूंगी। इससे क्या होगा, हेयर में जो ऑयल है वो एकदम हेयर के अंदर रहेगा, पिलो वगैरह में नहीं जाएगा ज़्यादा। हाँ थोड़ा जाएगा, पूरा नहीं जाएगा पिलो में। देखो मेरा तो ऑयलिंग बहुत अच्छे से हुआ, एकदम हेयर भी पूरा चिपकू बन गया। बट मुझे अब ऑयलिंग करना पसंद है, ठीक है। अगर मैं घर में रहूं और ऑयलिंग करूं तो इससे प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होता है ना। कल सुबह जब मैं नहाऊंगी तब मैं हेयर वॉश कर लूँगी सब कुछ, एकदम हेयर का भी इन्हांसमेंट हो गया और बाहर जाने से पहले हेयर वॉश भी हो गया। तो अभी मैं करूँगी कॉम्ब। और देखो ऑयल लगाना बहुत लोगों का पसंद नहीं, मुझे पसंद है। ऑयल से ना हेयर का एक अलग ही साइन आता है हेयर में। अभी तो बहुत सारा ट्रीटमेंट भी आ गया मार्केट में, बट सबसे अच्छा तो ऑयलिंग है मेरे लिए। इसके लिए कुछ भी ट्रीटमेंट करना ज़रूरत नहीं पड़ता है, अच्छे से ऑयल मसाज करो, वो चाहे हॉट ऑयल हो गया या नॉर्मल सी कुछ भी, इससे ना बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। देखो कितना सारा हेयर फॉल हो रहा है और पहले का ये भी। तो अभी मैं करूँगी ये जो वुडन कॉम है इससे थोड़ा स्कैल्प का मैसेज करूंगी मैं, इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है। आप चाहो तो कोई ऑनलाइन स्टोर से ही मंगा सकते हो, ये बहुत रीजनेबल है और बहुत फ़ायदेमंद है। दिन में एक बार ऐसे हल्के हाथों से इसका अगर कॉम करो ना तो इससे स्कैल्प का बहुत अच्छा मसाज होता है। तो अभी तो आप कुछ नहीं करोगी, मैं जस्ट एक क्लेंजर के साथ इसको थोड़ा ऊपर छोड़ देंगे, ठीक है। तो रुको एक मिनट, तो ये रहा मेरा क्लेंजर और इसको अभी मैं छोड़ दिया। तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग रही है, पसीना हो रही है अभी तो। चलो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बी विद मी, बाय, टेक केयर।